हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं विनीत और स्वागत है आपका हमारे चैनल दैट वन डे में। आज हम निकल चढ़े हैं एक नए सफ़र की ओर और आज हम जाने वाले हैं बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा फॉरेस्ट, जो कि है टूअर्स में। टूअर्स नॉर्थ बंगाल का एक पार्ट है जिसे कि टूअर्स बोला जाता है, जिसका मतलब है डोर्स टू भूटान फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ से कम 16 टू 18 नैरो पैसेजेस हैं जो कि भूटान की तरफ जाते हैं। सो मैं खड़ा हूँ अभी डूअर्स के एक फॉरेस्ट में और आज हम जा रहे हैं बक्सा टाइगर रिजर्व। तो आइए चलिए। बक्सा टाइगर रिजर्व आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अलीपुरद्वार जंक्शन और नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट से बक्सा टाइगर रिजर्व को लगते हैं 4 घंटे और इसकी दूरी है 166 किलोमीटर। जब आप बक्सा टाइगर रिजर्व एंटर करेंगे, थोड़े दूर चलने के बाद, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चलने के बाद, राइट हैंड साइड पे आएगा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ये देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, जस्ट पीछे वहाँ पर है टिकट काउंटर जहाँ पर एवरी इंडियन नेशनल, फॉरेन नेशनल्स, आपको आपकी गाड़ी की एंट्री फीस भी देनी पड़ेगी। आई थिंक सो गाड़ी की फीस है 4 व्हीलर की 400 और 2 व्हीलर की 120 रुपीज़। मैं ये आपको डिटेल बाद में दूंगा कि परफेक्ट कितने रुपए लगते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको टिकट ज़रूर कटाना है, आप अंदर बिना टिकट लिए अंदर नहीं जाइए। टाइगर हमने दिखा दिया है अपना टिकट और अब एंटर कर रहे हैं बक्सा टाइगर रिजर्व। एक्साइटेड गाइस, मैं भी एक्साइटेड हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ बक्सा टाइगर रिजर्व। हमारा आज का स्केड्यूल ऐसा है कि टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व में आज हम रुकने वाले हैं और हमारा स्केड्यूल है, यहाँ से हम पहले जाएंगे संतलाबाड़ी, जहाँ तक गाड़ी जाती है। आप खुद की गाड़ी लेके संतलाबाड़ी तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी और वहाँ से फिर जीप लेके आपको आगे की ओर जाना पड़ेगा। तो हम संतलाबाड़ी में अपनी गाड़ी रखेंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे आगे बक्सा फोर्ट की तरफ और वहाँ से ट्रैक करके हम जाएंगे एक हिडन डेस्टिनेशन जिसका नाम है लेपचा का। लेपचा का इट्स बेसिकली टॉप ऑफ द हिल, जहाँ से आपको भूटान भी दिखता है और आप इंडिया में हैं। अभी हम आ पहुँचे हैं संतलाबाड़ी में, जहाँ पर आपको आपके खुद की व्हीकल को करना पड़ेगा पार्क और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा गाड़ी, जो कि यहाँ पे ही मिलेगी आपको। उसका चार्ज आपको लगेगा, वो गाड़ी आपको छोड़ेगी 0 पॉइंट तक, वो चार्ज आपको लगेगा 200 रुपीज़। और आपको यहाँ पर एक गाइड लेना पड़ेगा जो कि आपको आगे फिर वहाँ से 0 पॉइंट से लेपचाका तक ट्रैक करा के आपको साथ में लेके जाएगा, वो आपको कॉस्ट पड़ेगा 350 रुपीज़। और यहाँ पार्किंग आपको आपकी गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी, इसके आगे आप नहीं ले जा सकते हैं। वो पार्किंग कॉस्ट आप यहाँ पर आके बात कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं क्या पड़ेगा। मुझे पड़ा 200 रुपीज़, चाहे मैं एक दिन के लिए करूँ या 2 दिन के लिए, कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग। सो आप यहाँ से आगे अपनी गाड़ी नहीं ले, ये है 0 पॉइंट, ये रास्ते से इस गाड़ी से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसके बाद का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से ट्रैक करना है, देर इज नो वे टू ड्राइव देयर। तो ये रहा वो रास्ता। सो यहाँ से अब ट्रैकिंग शुरू करते हैं और चलते हैं बक्सा फोर्ट और लेपचाका की ओर। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ट्रैकिंग शुरू है,
टूटा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं जीरो पॉइंट से 10 मिनट ही ऊपर आए हैं व्यू पॉइंट, तो देखते हैं कैसा नज़ारा है यहाँ के व्यू पॉइंट से और आपको भी दिखाता हूँ। द व्यू पॉइंट ऑफ पक्सा टाइगर रिजर्व, वाओ इट्स अमेजिंग। ये देखिए, थोड़ा रेस्ट ले लेके जा रहे हैं बिकॉज काफी टाइम के बाद ट्रैक कर रहे हैं और ट्रैक इजी नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोगों को ट्रैक करते हुए 1.25 घंटा हो चुका है और 1 घंटे ट्रैक करना है अभी, तो 2.5 घंटे का 2 घंटे का ट्रैक तो आप मिनिमम पकड़ लीजिए। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रैक करते रहते हैं तो भी आपको 2 घंटा लगेगा। बैठे अभी और थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि पूरा स्वेट हो रहा है और ठंड भी हो रही है अब धीरे धीरे, दोनों मिक्सचर है। मेरे सामने एक शॉप, उनके शॉप पे ही अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये छोटा सा गांव जहाँ पे 8 या 9 घर है, ऐसे छोटे छोटे 2 गांव अभी हमने ऑलरेडी देख लिया है और आगे चलते हैं देखते और कैसा रहता है। पहुँच चुके हैं बक्सा फोर्ट और अभी यहाँ पे रिस्टोरेशन का वर्क इज इन प्रोसेस, सो एंट्री फॉर द टूरिस्ट इज ऑब्वियसली डिनाइड, आप नहीं जा पाएंगे। अभी रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वहाँ के उसका गेट है और अगर आप ये देख पा रहे होंगे बैम्बू और ये सब लगा है, ये है बक्सा फोर्ट और रिस्टोरेशन यहाँ पे चल रहा है अभी। सो दिस इज द प्लेस। बक्सा फोर्ट के बारे में जो हिस्ट्री है वो ये है कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर एक दिन के लिए रखा गया था एज ए प्रिजनर, सैड टू से दैट बट यही हिस्ट्री है यहाँ का। बक्सा फोर्ट को पीछे छोड़कर अब हम आगे जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन लेपचक्का की ओर, द हिडन जेम ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व, जहाँ पर आज हम करने वाले हैं अपना नाइट होल्ड। और रास्ता कुछ ऐसा, ट्रैकिंग में आ रहा है जोरदार मजा, वो आपको मेरी स्माइल से पता चल रहा होगा, बिल्कुल ऑफ बीट है, मजा आएगा आपको। मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आइए तो ज्यादा मजा आएगा, ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले डिनाई करें कि मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली वाले मत आइए, बट ट्रैकिंग थोड़ी ज्यादा है ना, तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। और ये देखिए यहाँ के ट्रैक्स, और चलते हैं आगे। और ऊपर है लेपचक्का, अभी तो शुरुआत हुई है यहाँ की बक्सा फोर्ट के बाद। चलिए
आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रैक हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं लेपचा का। दिस इज द प्लेस। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये लेपचा का है। ये सब यहाँ के होम स्टे हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं आके। ये फुन गाँव, वहाँ पे गुम्बा है पीछे, और इधर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। व्यू अच्छा है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करके आओगे वो तो देखना ही बनता है ना। ये रहा व्यू। अभी लेपचा का पहुंच के हम जा रहे हैं एक टेंट एकोमोडेशन देखने के लिए। पीछे बहुत सारे होमस्टेज हैं, वो होमस्टे से भी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। फॉर्चुनेटली आज खाली है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा कॉलेज स्टोर्स ये सब होता रहता है। फ्लावर्स, सो वो टेंट कॉम्पिटिशन देखने जा रहे हैं अभी लेपचा का में, और देखते हैं कैसा है वो एकोमोडेशन। थोड़ा बताता हूँ आपको। कुछ लोग टेंट के लिए ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे कि टेंट में लाइफ कैसे रहती है। तो बेसिकली अ टेंट इज लाइक दिस। ये रहा, इट्स अ होम इनसाइट। दो लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा मेरे हिसाब से, बट अगर आप लंबे हैं तो आपको थोड़ी परेशानी आने वाली है।